नैनीताल की बी डी पांडे पुरुष हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है। मामले में हाईकोर्ट कई दफा सुनवाई कर चुका है। इस बार भी कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं, जिस पर अब सरकार को जवाब पेश करना है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से यह बताने को कहा है कि हॉस्पिटल की कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है और अभी क्या स्थिति है। कोर्ट ने सिटी स्कैन की रिपोर्ट जो 3 दिन में आती थी उससे कम से कम 24 घंटे के भीतर देने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रामजी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, वहां पर कौन कौन से मेडिकल सुविधाएं दी जा सकती है, इस पर विचार करने को कहा गया है ताकि बी डी पांडे हॉस्पिटल का भार कम किया जा सके। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। करीब 4 एकड़ से ज़्यादा का ज़मीन वगैरह है और उसमें कुछ इंक्रोचमेंट किया गया है, जिसकी वजह से हम जो सुविधाएं एक्सपेंड करने में असमर्थ हैं। तो कोर्ट ने सरकार से ये बोला है कि आप अगले हफ्ते की तारीख नियत की गई है, अपने रिपोर्ट स्पष्ट करें कि कितना इंक्रोचमेंट एरिया है और बताएं कि किस तरह से सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।